नियाज अहमद निकू साहब जो पीस मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब नियाज अहमद निकू साहब। सलाम अलैकुम। मंच पर बैठे हुए सभी भी अतिथिगण, सभी अतिथिगण अंसारी समाज के आए हुए मेहमान, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो ये भव्य प्रोग्राम सम्मेलन का अंसारी पंचायत समिति द्वारा जो रखा गया है, मैं उसके पदाधिकारी जनाब लियाकत अंसारी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी सभी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी अपनी मेहनत और रात दिन लगकर जो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम किया, वो हमारी अंसारी समाज के लिए तो है ही सही, लेकिन हमारे मुस्लिम कौम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको मैं जितना शुक्रिया अदा करूं इस समिति का उतना कम है। इस समिति ने मुझे यहाँ बुलाकर जो इज्जत दी और सम्मान दिया, उसके लिए मैं जनाब लियाकत अहमद साहब, लियाकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो 86 जोड़े जो यहाँ पर इस सम्मेलन के अंदर आज आए हैं और उनका निकाह हुआ है, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। वह अंसारी समाज के, वह सभी समाज के जो भी लोग यहां पर इस प्रोग्राम में पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अंसारी समाज इस तरह के प्रोग्राम कराकर हमारी सभी कौमों को साथ लेकर चलता रहे और बुलंदियां पाता रहे। आगे मंच पर बैठे हुए सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन मेरा एक आप सबसे गुजारिश है, मेरे जो दिल के विचार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंसारी समाज के अलावा मुस्लिम समाज में जितनी भी कौमें हैं, हम सभी कौमों को साथ मिलकर अगर ये हाथ अगर मुट्ठी बन जाए, अगर ये हाथ अगर हम मुट्ठी बना लें, तो शायद इस मुस्लिम समाज की सब कौमें अगर एक साथ मिल जाएं, तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। आज हम बिखरे हुए हैं, हमें कोशिश करना है, हमें एक होना है। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हमें कोई भी पार्टी, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह जब एक हो जाएंगे तो उसके जरूर फायदे मिलेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।